सो दोस्तों अभी हम बना रहे हैं गजरेला। गजरेले के लिए सबसे पहले अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए आपको 3 किलो गाजर या 5 किलो गाजर भी ले सकते हैं। और उसके बाद उसको कद्दूकस करके जो है उसको इस तरह से भूनना पड़ता है और उसके बाद उसमें शक्कर वगैरह थोड़ी डालनी पड़ती है और उसके बाद आपका गजरेला तैयार हो जाता है। तो अभी हमने कढ़ाई में इसको डाल दिया है और छेड़ा दे के अब इसका जो है गजरेला प्रॉपर हम तैयार करेंगे। दोस्तों स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल सुशील ठाकुर पहाड़ी में और आज हम लेके आए हैं गजरेले का शो आपके लिए। तो यहाँ पर हम गजरेला तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो है 3 किलो गाजर जो है हमने ले रखे थे और उसके बाद हमने इसको कद्दूकस कर दिया। कद्दूकस करने के बाद जो है उसके बाद हमने इसको छोटे छोटे पीस करके जो हमने कढ़ाई में इसको भूनना स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो अच्छी तरह से इसको गाजर को भूना जाएगा, बिल्कुल छेड़े मारे जाएंगे, उसके बाद इस आपको गाजर की आउटपुट मिलेगी। इसमें जो है कुछ काजू बादाम दाखा वगैरह ये चीज़ें भी डालनी पड़ती है थोड़ा मिक्सचर देने के लिए। तो उसको और उसके ग्राइंड करने के लिए अभी हमने जो है काजू हमने ग्राइंड कर लिए यहाँ पर और ये देख सकते हैं आप एक सा मिक्सचर इस तरह से आपको काजू बादाम का मिक्सचर जो है तैयार करना पड़ेगा। तो गजरेले को काफ़ी अच्छा भूनना पड़ता है और काफ़ी छेड़े मारने पड़ते हैं इसको ताकि इसके में जो है बाद में अच्छी जो है उसके खाने में बहुत अच्छा लगे ये। तो वही अभी तैयारी कर रहे हैं, करी जा रही है यहाँ पर। तो अभी जो है हम ग्राइंड कर रहे हैं काजू बादाम वगैरह और साथ में यहाँ पर जो इसका काम चला हुआ है। अभी हम जो है इसमें अब चीनी डाल रहे हैं, थोड़ी सी चीनी भी आपको डालनी पड़ेगी नहीं तो थोड़ा अगर प्रॉपर गाजर के बनाएंगे तो वो फीकी रह जाती है। तो मिक्सचर आपको थोड़ी सी एकदम इसमें डालनी पड़ती है चीनी की। उसके बाद इसको अब हम छेड़ा मारेंगे, मिक्स करेंगे अभी इसको हम। ओके तो इसको लाना भी अभी